हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का हमारा सेकेंड चैप्टर, जो कि है अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने लास्ट क्लास में ही डबल फर्टिलाइजेशन बोला था और वहाँ पर दो प्रोडक्ट बने थे। एक हमारा बना था जाइगोट, जो कि बना था किसके थ्रू, आफ्टर सिनगेमी, और एक बना था हमारा PEN, जो बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी आगे का पार्ट पढ़ना है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने दो बातें देखनी है, एक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और दूसरा हमने देखना है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें पता है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे डेवलप इनटू द सीड्स, और जो कंप्लीट ओवरी है वो डेवलप हो जाती है इनटू फ्रूट। तो हमने अभी इस वाली लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। पहले एंडोस्पर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेचर में भी जो सबसे पहले बनता है वो कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है, और उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है। तो फर्स्ट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलप, देन दी एम्ब्रियो डेवलप। क्यों एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, क्योंकि हमें पता है लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो अगर पहले बन गया तो इसको खाने के लिए कोई टिशू नहीं होगा, इसके न्यूट्रिटिव टिशू प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होता है कि एम्ब्रियो बनने से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है दैट प्रिसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो उससे पहले होता है। क्यों होता है, रीज़न इसलिए है क्योंकि जो एंडोस्पर्म की सेल्स हैं दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसीलिए इसका बनना बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मैंडेटरी। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। देखिए, जब हमने देखा था ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन में हमने देखा था कि हमारा मेल गैमीट फ्यूज हुआ था दो पोलर न्यूक्लियाई से, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना था उसको हम क्या कह रहे थे, पैन कह रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पैन क्या करेगा, ये पैन डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद, जैसे अगर हम कह रहे हैं ये हमारा पैन है तो डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, एक से न्यू, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से ये क्या होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होगी इसमें। और ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा बट सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सिंपली पेन डिवाइड करेगा और कंडीशन होगी कि बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, और इससे जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये जो है सेल वॉल बनेगी। तो सेल वॉल बनने के बाद, यानी कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो है सेल वॉल बनेगी, और अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो पहले बनता है फ्री न्यूक्लियर और फिर बनता है सेलुलर। ठीक है, तो याद रखना है पहले हमारा पेन बना था, आफ्टर दी प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के पास हमारा जो पेन था उसकी प्लॉइडी कितनी है, ट्रिप्लॉइड है, वो तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे। ठीक है, पेन डिवाइड करेगा टू फॉर्म दी फ्री न्यूक्लियर कंडीशन, मतलब सिंपल और सिंपल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और करते करते रहने के बाद क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन है कि सिंक्शियम होगा, मतलब जैसे एक सिंपल जगह है जहाँ पर बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस हैं, फ्री न्यूक्लियस हैं। ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं बनी है, उस कंडीशन को, उस एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बाद में क्या होता है, इनके चारों तरफ वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और उससे जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं, जो कोकोनट है ना उसमें हमें दोनों टाइप के एंडोस्पर्म दिखते हैं, उसमें हमें फ्री न्यूक्लियर भी दिखता है और सेलुलर भी दिखता है। फ्री न्यूक्लियर क्या है, वहाँ पर फ्री न्यूक्लियर जो उसका वाटरी पार्ट है, जो वाटरी हाईली न्यूट्रिशियस पार्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो कोकोनट है उसका जो वाटरी पार्ट होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और वो हाईली न्यूट्रिशियस क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाईली डिवाइडिंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और उनके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये न्यूक्लियस जो होते हैं इनके चारों तरफ क्या बनती है, सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सेलुलर। और अगर हम कोकोनट की बात करें तो जो वाइट एडिबल पोर्शन होता है, जो हम खाते हैं नारियल का पार्ट, वो हमारा क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर हम नारियल देखें तो बाहर एक ऐसा ग्रीन कवरिंग होती है जो कि क्या होती है, आउटर लेयर एक्सोकार्प। उसके बाद ये मीजोकार्प फाइब्रस जो स्ट्रक्चर होता है, हस्क वाला जो स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस, वो क्या होता है, मीजोकार्प, जिससे रोप्स वगैरह बनती हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट अंदर एक हार्ड शेल होता है जिसको हम कहते हैं एंडोकार्प, जो कि सीड को सराउंड करता है, ठीक है। फिर हमारा सीड आ जाता है और उसके अंदर ही वहीं पर हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। वाटरी जो पार्ट होगा वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो ये वाइट वाला एडिबल पोर्शन है ये हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म है। लिक्विड एंडोस्पर्म ये फ्री न्यूक्लियर है, और जो ये वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो कोकोनट में हम दोनों टाइप के एंडोस्पर्म देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो पूरा उसको यूज़ कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें सीड बनने के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है, तो कुछ में वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय एम्ब्रियो। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं पी, बीन्स, और कुछ में वो क्या होता है, रिटेन रहता है, बच जाता है, जैसे कोकोनट। इनको हम बाद में जब हम सीड पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए एम्ब्रियो किससे बनेगा, कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा, जाइगोट से। और हमें पता है जाइगोट जो था वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से एंड पर, माइक्रोपाइलर या सेलाजल, पता है माइक्रोपाइलर एंड पर। और क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कौन से एंड पर बनेगा, माइक्रो पाइलर एंड पर। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा जाता है कौन से एंड पर होगा, तो माइक्रोपाइलर एंड पर होगा। अब सपोज ये हमारा डिप्लॉइड है, ये हमारा जाइगोट है डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये भी फ्यूज होने के बाद ये डिप्लॉइड हमारा जाइगोट बना है। अब ये डिवाइड होगा और डिवीजन के बाद एक डिवीजन होगी और अनइक्वल डिवीजन होगी, ठीक है। एक बड़ी एक छोटी स्टेप से हमने सेल दिखानी है, ऐसे दिखा दो, ठीक है। एक हमारी होगी बेसल सेल और एक होगी हमारी एपिकल सेल, ठीक है। एक बेसल सेल होगी और एक एपिकल सेल होगी। उसके बाद ये जो बेसल सेल होगी इसमें फर्दर डिवीजन 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 होती रहेगी, ट्रांसवर्सल डिवीजन होगी, और इससे ये नीचे वाली सेल जो होगी वो डिवाइड होती 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 क्या बनाएगी, बहुत सारे एक तरह से वन बाय वन एक के ऊपर एक सेल बनेगी, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना और होल्ड करके रखना एम्ब्रियो को, ठीक है। ऊपर वाली जो एपिकल सेल है वो एपिकल सेल क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। तो पहले ये एक सेल है, फिर ये डिवाइड होगी, फिर दो सेल स्टेज आ जाएगी, फिर दो के बाद फिर ये डिवाइड होगी, फिर चार सेल स्टेज आ जाएगी, चार सेल को हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज आ जाएगी, लास्ट फिर हमारी आ जाएगी आठ वाली स्टेज जिसको हम कहते हैं ऑक्टेंट, फिर हमारी आ जाएगी 16 सेल स्टेज। इस तरीके से सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, ठीक है। ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बनेगा और नीचे हमारा क्या होगा, ये सस्पेंसर होगा। इसको हम कहते हैं, इस एम्ब्रियो को हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पर ही हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे एग सेल है, फर्टिलाइज एग है, जाइगोट हो गया है, ये डिवाइड हुआ, बेसल सेल एपिकल सेल, बेसल सेल डिवाइड हो रही है, ये वाला जो पोर्शन है ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या है, ये सस्पेंसर बनेगा बाद में, ठीक है। और ये ऊपर वाली वन सेल से टू सेल, टू सेल से फोर सेल, फोर सेल से ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद जो है स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारी कौन सी स्टेज होगी, ग्लोबुलर। फिर उसमें बीच में यहाँ से ना इन्वेजरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर ट्रायंगुलर से शेप आएगी, और लास्ट में फिर हमारी नेक्स्ट जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी, हार्ट शेप। ये बीच में ये वाली जो शेप है ये हार्ट शेप हो जाएगी, इसको हम कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर हमारा आता है टॉर्पीडो। हार्ट शेप में इन्वेजिनेशन थोड़ा सा और डीप हो जाता है, और यहाँ पर हमें दो कॉटलेडन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, वो हमें इनका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमारा आ जाता है मेच्योर एम्ब्रियो, या जिसको हम कहते हैं कॉटलेडनरी फेस, जिसमें हमें कॉटलेडन भी विजिबल होते हैं। तो ये दो कॉटलेडन होंगे, दो कब होंगे, अगर हमारा सीड किस टाइप का है, डाइकॉट, तो ये कॉटलेडन के नंबर के अकॉर्डिंग भी हम सीड्स को दो में डिवाइड करते हैं, डाइकॉटलेडन्स या डाइकॉट प्लांट या और मोनोकॉट प्लांट। डाइकॉट मतलब जिसके सीड्स में दो कॉटलेडन होंगे, यानी कि उसको से अगर हम ब्रेक करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो वो डाइकॉटलेडन, और जो नहीं होता है वो मोनोकॉट। ज़्यादातर जो सीरियल्स होते हैं, जो ग्रासेस वाली फैमिली होती है, वो सारी मोनोकॉट होती है, और जितने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मोस्टली दे आर डाइकॉट्स, ठीक है। अब ये मैच्योर अगर एम्ब्रियो की हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम लिखा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, या जिसको हम कहते हैं फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर शूट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है इस जगह पे रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, रेडिकल भी, ये वो पार्ट है जो फ्यूचर रूट बनाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं कॉटलेडन, ये क्या है, ये हमारा सस्पेंसर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे किसका, डाइकॉट, मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है।
अब प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल क्या बनाता है हमारा, शूट बनाता है, और रेडिकल जो है वो क्या बनाता है, रूट बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे डाइकॉट एम्ब्रियो है, ऐसे मोनोकॉट एम्ब्रियो है, लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, कॉटिलेडन हमारा एक ही होगा, और वो भी किस टाइप का कॉटिलेडन होगा, लेटरल सा दिखेगा हमें, साइड में दिखेगा, ये कॉटिलेडन है, ये जो अलग से है, ये कॉटिलेडन, इसको अलग से नाम दिया हुआ है कॉलियोप्टाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वही सेम चीज़ें होंगी, क्योंकि ये कॉटिलेडन एक है, उसके बाद हमारा रूट ग्रोइंग वाला पार्ट होगा और शूट बनाने वाला भी पार्ट होगा, तो यहाँ पर भी रेडिकल भी है जो पार्ट रूट बनाएगा, और हमारा प्लूम्यूल भी होता है यहाँ पर जो पार्ट शूट बनाएगा, ठीक है। शूट एपिक्स या जिसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा शीथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, उस शीथ को हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल, जिसमें हमारा प्लूम्यूल तो होगा ही, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम तो होगा ही, साथ में हमारे लीफ के प्राइमोर्डिया, ये हम बोल रहे हैं लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होंगे, और ये हमारा होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको मिला के हम पूरा बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, ठीक है। ऐसे ही कॉलियोराइजा होता है, कॉलियोराइजा में क्या होता है, सिंपली हमारा रूट होगी, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और यहाँ पर हमारी रूट कैप होगी, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो मिला के इसको हम कहेंगे कॉलियोराइजा, तो कॉलियोप्टाइल होगा, कॉलियोराइजा होगा। कॉलियोराइजा में क्या होगा, रेडिकल होगा, और रेडिकल जो होगा प्रोटेक्टेड होगा एक कवरिंग से, इसको हम कहते हैं रूट कैप। और हमारा कॉलियोप्टाइल जो होगा वो किससे बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे इसको हम कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, जो बाद में क्या बनाएंगे, लीफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी जो पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, हमने दो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, एक हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन हो चुका था लास्ट वीडियो में, और अभी हमने पढ़ा है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो हमने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया है, एनसीईआरटी में सिंपली बस हमें दिखाया हुआ है कि एम्ब्रियो है, डिवाइड होने के बाद ये स्टेजेस होती हैं, और एंडोस्पर्म में भी वहाँ पर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म की बात की हुई है, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। तो हमने पूरे एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कर ली है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो, दोनों ही एम्ब्रियो के जो डायग्राम हैं वो हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली तीन नंबर में दे दिया जाता है, और उसमें हमें 6 लेबलिंग करने को दी जाती है, ठीक है, सीड्स में मोनोकॉट सीड या डाइकॉट सीड इस तरीके से बनाना आ जाता है, ठीक है। ये हमने जो नोट्स दिए हैं, ये आप ये ई नोट्स जो हैं बहुत ही शॉर्टकट में जो नोट्स हैं, ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली पीडीएफ फॉर्म में। और अगर कुछ भी हमें सजेशन करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, और वो हम पढ़ेंगे सीड के डेवलपमेंट के बारे में, फूड के डेवलपमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो होप आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने, और अब है आपकी हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और जितना हो सके सभी में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।